भाई स्टैक की तरह क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है या कर लेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब देखो ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है कि हम एक ऑर्डर में इसमें काम करते हैं, जैसे स्टैक में भी एक ऑर्डर है ना। जैसे अगर हम डिलीट कर रहे हैं, अगर टॉप यहाँ पे है तो आप ये नहीं है कि आउट ऑफ ऑर्डर काम कर लें। ऑर्डर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सॉर्टेड है या कुछ और चीज है, समझ रहे आप लोग। कोई भी एक अनम्यूट कर लीजिए प्रियंका। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको क्या करना है, मतलब सॉर्टिंग या कुछ से है। ऑर्डर का मतलब है आप आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अब आपके पास यहाँ पे पड़ा था एम एन ए और पी, तो आपको पहले डिलीट पी ही करना पड़ेगा, देन ए, देन एन, देन एम। ऑर्डर का मतलब ये है, लाइक सेम क्यू में ओके होगा, ठीक है, वो ऑर्डर का हाँ मतलब जी यहाँ पे। तो इंसर्शन इसमें जिस एंड पे होता है उसको बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम क्या बोलते हैं? एन क्यू। और क्यू में इंसर्शन को हम इंसर्शन ही बोलते हैं, ठीक है। जिस एंड पे होता है उसको बोलते हैं रियर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और डिलीशन जिस एंड पे होता है उसको बोलते हैं फ्रंट, यानी डिफरेंट एंड्स पे होता है। देखो स्टैक के अंदर क्या होता था, इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड पे होता था, उसको बोलते थे टॉप। टॉप पे ही आपका इंसर्शन होगा और टॉप से ही आपका डिलीशन ओके होगा। यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन अलग से होता है। देखो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे क्वेश्चंस के मैं लेवल की बात करूँ ना, तो 80% क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी में जो आते हैं ना, वो लगभग डायरेक्ट टाइप होते हैं, जिसमें दिमाग का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जैसे चलाने के लिए आ गया, दिखाने के लिए आ गया, बट वही बात है, हमें जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे भी कर लेंगे तो ये छोटी मोटी बातें तो याद ही रहेंगी। अब जैसे स्टैक में हमने जितना किया तो कम से कम हमें टॉप तो याद ही रहेगा कि इंसर्शन डिलीशन पे किस पे होता है। हर इंसर्शन पे टॉप की वैल्यू एक घटती है, डिलीशन पे टॉप की वैल्यू एक बढ़ती है। और इतने सारे हमने एप्लीकेशन किए तो पता है बच्चों फायदा क्या होता है, जब हमने थ्रू आउट सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ रखा होता है ना, कई बार हमने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, बट अगर हमने बाकी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं और चार ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, तो उनमें से हो सकता है ये तीन ऑप्शंस, जैसे मान लीजिए ये पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब उसमें दे रखा है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अब आपको पता है यार ये तो मैंने स्टैक में पढ़ी थी, अगर आपने स्टैक सही से पढ़ रखा है, या मान लीजिए इन रिकर्शन, ठीक है, या मान लीजिए डीएफएस, और एक दे दिया आपका बीएफएस। अब आपको पता है ये भी ये भी ये भी, ये तीन एप्लीकेशन किसकी है, स्टैक की है। तो आपको अगर क्यू आपने नहीं भी कर रखा था, इवन देन शायद आप ये क्वेश्चन सही कर जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने नहीं भी क्यू पढ़ रखा, स्टिल अगर आपने ये चीज पढ़ रखी थी और स्टैक आपका बहुत अच्छे से हुआ था, तो आप शायद ये क्वेश्चन अब भी सही कर जाएंगे कि इसका आंसर बीएफएस होगा, क्योंकि ये तीन एप्लीकेशंस तो स्टैक की हैं, क्यू की नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। खैर अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फीफो पे। जो स्टैक करता है वो किस पे काम करता है? लिफो पे, या उसी को हम फिलो बोलते हैं, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता चल रहा हूं, ठीक। रियर यानी टेल, उस पे इंसर्शन होता है, उस ऑपरेशन को बोलते हैं एन क्यू। फ्रंट किस पे होता है? हमेशा हेड पे होगा, मतलब स्टार्टिंग में होगा, और उसको क्या बोलते हैं, डिलीशन ऑपरेशन या डी क्यू ऑपरेशन। ये बेसिक बातें थी, ये क्यू के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। बताइए सब क्लियर है? जी सर अब एक छोटा सा सर एग्जांपल लेके हम क्यू में ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। प्रियंका मुझे एक बात बताइए, जब टॉप की वैल्यू जीरो होती है, व्हाट डज इट मीन? ये टॉप की वैल्यू प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें तो जब माइनस वन होती है इसका वन मतलब क्या होता है? एलिमेंट है उसमें माइनस वन का मतलब माइनस क्या होता वन जीरो है? यानी कि एम्प्टी स्टैक में हमारा एम्प्टी है ना। हाँ जी सेम यहां पे अगर हमारे पास फ्रंट और रियर दो पॉइंटर हम लेके चलेंगे, लाइक उसके अंदर टॉप रहता है, इसमें फ्रंट और रियर दोनों बराबर है और दोनों इक्वल टू है माइनस वन, इसका मतलब क्या है? अंडर फ्लो है। किसी भी एक चीज से भी चेक कर सकते हो, या तो फ्रंट को कर लो या रियर को कर लो, मैंने एक जस्ट बात बता दी आपको। प्रोग्रामिंग के हाँ टर्म्स में हम इसको माइनस वन से लेते हैं क्योंकि एरे स्टार्ट होता है इंडेक्स जीरो से, बट अगर हम डेटा स्ट्रक्चर में बात करते हैं जनरली, एल्गोरिदम बनाते हैं तो कभी कभी जीरो भी ले लेते हैं, वो डिपेंड करता है, मगर पेपर में तो इस कंटेक्स्ट में ही पूछता है तो इसी से चलने दीजिए। ये बात समझ में आ गई अंडर फ्लो का मतलब क्या है, ठीक हाँ है, जी यानी क्यू के अंदर कुछ नहीं है। अब क्यू पहले काम कैसे करती है, एल्गो बाद में बनाएंगे, पहले चलाना देखते हैं। जैसे हमने स्टैक चलाना देखा था, स्टैक को एक बार दोबारा से इसके अंदर देखते हैं। मान लीजिए स्टैक अभी है एम्प्टी, तो अभी टॉप की वैल्यू क्या होगी? टॉप होगा माइनस वन पे, है ना। ये है जीरो वन टू थ्री एरे ले रखा है हमने, लाइक हमने पहला एलिमेंट डालना है ए, तो पहले टॉप की वैल्यू प्लस प्लस करोगे, यानी टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी टॉप किसको पॉइंट आउट कर रहा है इस टाइम पे?
टॉप की वैल्यू जीरो होने का मतलब टॉप इसको पॉइंट कर रहा होगा ना, आप यहाँ पे अपना ये डाल दीजिए। आपको एक और इंसर्शन करना है तो आप टॉप को प्लस प्लस करते हैं वन, जैसे ही टॉप की वैल्यू वन होगी मतलब टॉप इसे पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, आप यहाँ पे अपना दूसरा एलिमेंट डाल सकते हैं। एक और इंसर्शन करना है, टॉप को पहले बढ़ा लीजिए फिर टॉप आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे अपना एलिमेंट डाल सकते हैं, मान लीजिए सी डाल दिया। आपको डिलीशन करना है, आप क्या करते हैं जो भी स्टैक के टॉप में पड़ा है उसको निकाल दीजिए बाहर और टॉप को कर दीजिए माइनस माइनस, यानी टॉप हो जाएगा वन। ऐसे ही आप और भी डिलीशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कैसे काम चलता है, मतलब चलाने का तरीका है ना। अब अगर हम स्टैक के अंदर ये काम, वो क्यू के अंदर ये काम करेंगे, तो शुरू में दोनों फ्रंट और रियर क्या है, स्टार्टिंग में माइनस वन है, यानी ये किसी पे सेट नहीं है। मान लीजिए ये एरे में इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, तो एरे का एक तरीके से एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 मैक्सिमम साइज। हेलो, ये बात क्लियर हाँ जी, है ना। हाँ जी सर। अब हम यहाँ पे मान लीजिए पहला एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फ्रंट और फ्रंट मान लो रियर को प्लस, देखो जैसे वहां पे इंसर्शन होता था किस पे, इंसर्शन किस पे होता था, टॉप पे। इंसर्शन पे टॉप की वैल्यू क्या करते थे, एक बढ़ाते थे, डिलीशन पे टॉप की वैल्यू को एक घटाते थे। क्या करते थे, डिलीशन पे टॉप की वैल्यू को एक घटा देते थे। इन केस ऑफ स्टैक ये काम हो रहा था, ठीक, ये किसके केस में काम हो रहा था, स्टैक के केस में। थैंक यहां पे आपको क्यू के केस में काम क्या करना है, इन केस ऑफ क्यू रियर को रियर प्लस वन करना है, किस केस में, इंसर्शन में, और फ्रंट को फ्रंट प्लस वन करना है, किसके केस में, डिलीशन के केस में। ये दोनों काम किसके अंदर होने हैं, क्यू के केस में। ये यू बात समझ में आ रही है। अब इसको पहले एक बार देख लेते हैं विदाउट एल्गोरिदम्स या कुछ। आपने पहला एलिमेंट डालना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट रियर को एक बढ़ा लेंगे, जैसे हम वहां पे करते थे ना कि अपना पहले टॉप को एक बढ़ा लो, भाई यहाँ पे ये पड़ा है टॉप, यहाँ पे है मुझे एक एलिमेंट डालना है, तो आप क्या क्या करेंगे, पहले टॉप को ऊपर वाले इंडेक्स पे सेट करेंगे, टॉप यहाँ आएगा तब आप यहाँ पे एलिमेंट डालेंगे। सेम आप पहले रियर को एक बढ़ाएंगे, यानी रियर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन से बढ़ के जीरो। रियर जीरो होने का मतलब रियर सेट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे अपना एलिमेंट उठा के डाल दीजिए, मान लीजिए एक्स था आपने डाल दिया। क्लियर प्रियंका, ये बात क्लियर है। अब हाँ जब पहला एलिमेंट डलता है क्यू में, तो देखो जब हम लाइन जहां से शुरू होती है तो हमें ये भी तो याद रखना होता है ना कि लाइन कहां से शुरू हुई है। तो पहले एलिमेंट के इंसर्शन पे, केवल पहले एलिमेंट में होता है, हम फ्रंट की वैल्यू को भी एक बढ़ा देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात प्रियंका, फ्रंट की वैल्यू कहां सेट हो जाएगी, अब वो जी भी सर, जीरो से सेट बढ़ के कैसे कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। क्लियर हुई, वन, ओके हर ओके इंसर्शन पे केवल देखो फ्रंट कब बढ़ना है, डिलीशन पे, रियर कब बढ़ना है, इंसर्शन पे। लेकिन अगर मैं पहले एलिमेंट को जब इंसर्ट किया, अगर मैं रियर को यहां पे सेट नहीं करता फ्रंट को, तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई मुझे डिलीट कौन करना है सबसे पहले नंबर पे। तो इसलिए मैंने जब पहला एलिमेंट डालते हैं तो मैं फ्रंट को भी सेट कर देता हूं। अब मान लीजिए आपको एक वाई डालना था, तो आप रियर इंसर्शन के केस में क्या करते हैं प्रियंका, रियर को एक बढ़ाते हैं, तो यानी रियर कहां आ जाएगा, यहां पे। बात समझ रहे हैं। अब अपना एलिमेंट उठा के डाल दीजिए, आपको एक और इंसर्शन करना है तो रियर को एक और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे अपना एलिमेंट डाल दीजिए। आपको एक और इंसर्शन करना है, आप रियर को एक बढ़ा लीजिए और अपना एलिमेंट यहाँ पे डाल दीजिए। बात समझ रहे हैं। अब इन केस आपको करना है डिलीशन, आपको क्या करना है, डिलीशन करना है, तो आप क्या करेंगे डिलीशन के केस में, आप जो भी क्यू के फ्रंट में पड़ा है उसको उठाओ बाहर निकाल दो और फ्रंट को एक बढ़ा दीजिए। आप यहाँ पे देखिए प्रियंका, जब हम पहला एलिमेंट मान लीजिए टॉप पे स्टेम एक्स पड़ा है, आपको एक एलिमेंट डालना है, पहले आप क्या करेंगे कि आप स्टैक में एलिमेंट डालेंगे या पहले टॉप को बढ़ाएंगे, ये बताइए। टॉप को बढ़ाएंगे मान लो ये एस ऑफ 0 है, ये एस ऑफ डाल 1 के। है ना, ये एस ऑफ 2 है, स्टैक का 2 3 ऐसे करके एलिमेंट है। अगर मैं पहला स्टेप ये लिख दूं कि एस ऑफ, सॉरी इंसर्शन करना है, तो आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आप स्टेप ये थोड़ी लिखेंगे कि पहले आपने ये कर दिया आइटम को उठा के स्टैक के टॉप में डालो, अगर आपने ये कर दिया टॉप की वैल्यू अभी क्या है, 0, तो आइटम तो कहां चला जाएगा, वाई कहां चला जाएगा, स्टैक के टॉप में। लेकिन इससे पहले अगर ये करेंगे आप टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, तो क्या होगा, टॉप की वैल्यू मान लो अभी 0 है, तो टॉप की वैल्यू कहां सेट हो जाएगी, वन पे। अब अगर आइटम को आप वन उठा के स्टैक के टॉप पे डालोगे तो वाई आपका कहां डालेगा, यहाँ पे। क्लियर हो रही है ये बात। इन केस ऑफ डिलीशन यस आपको क्या करना पड़ता है, डिलीशन के केस में आप पहले क्या करते हैं, डिलीशन में आप ये करते हैं जो भी स्टैक के टॉप पे पड़ा है, यानी जो भी स्टैक के टॉप में है उसको उठा के आप कहां डालेंगे, आइटम में डाल देंगे या कोई भी लोकेशन या वैल्यू किसी में भी डाल देंगे। तो वाई कहां चला गया, उठ के इसके अंदर चला गया है। उसके बाद आप क्या कर देंगे,
आप उसके बाद आइटम को उठा के किसके अंदर, स्टैक का टॉप इसके अंदर चला गया, अब आप टॉप को -1 कर देंगे। दोनों स्टेप में ये डिफरेंस है, देखो पहले आप आइटम को निकालो बाहर फेंक दो, अब आप टॉप की वैल्यू को एक डिक्रीज कर दो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात इंसर्शन डिलीशन में हम क्या करते हैं, है ना। तो यहां पे यस भी हम सेम करेंगे क्यू के केस में, यानी हमें पहले क्या करना है, जो भी क्यू के फ्रंट में पड़ा है उसको उठाइए बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और फिर फ्रंट को देखो, यहां माइनस नहीं करते हमें, फ्रंट को कहां करना है, नेक्स्ट लोकेशन पे सेट करना है ना प्रियंका, तो हमें प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, यस सर, प्लस करना चाहिए ना। तो इसलिए प्लस रटने की चीज नहीं है कि प्रियंका, जैसे एक यस घट सर, मतलब एक डिलीट करना तो एक घट जाती है वैल्यू, या एक इंसर्ट करते हैं तो एक बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट हो आ जाएगा गया सर। प्लस 1 होके, फ्रंट कहाँ जाएगा आपका, सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। मेरे को एक और डिलीशन करना है तो मैं फ्रंट को कहाँ सेट कर दूंगा, यहाँ पे, मतलब इसको उठाओ बाहर फेंक दो, तो ये भी डिलीट हो चुका है, ये भी डिलीट हो चुका। मुझे एक और डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी क्यू के फ्रंट में उसको बाहर निकाल दो और फ्रंट को +1 कर दो। क्लियर हो रही है प्रियंका, यहाँ पे हाँ आपने जी, डाल दिया। भाई मैंने सिर्फ एक बच्चे को कनेक्ट कर रखा है, बट अगर किसी और को, निताश्री या किसी किसी को भी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, एक बच्चा तो उसके लिए चाहिए, हो गया। अब यहाँ पे आप डिलीशन के केस में अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, प्रियंका यहाँ पे दिमाग लगा के ये देखना, मान लो मैंने ये एलिमेंट डिलीट करना है, अब तक मैं क्या करता था, जो भी क्यू के फ्रंट में पड़ा है उसको उठा के मान लीजिए आइटम नाम के वैल्यू में डाल दिया, उठा के डाल दिया, और फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट +1 कर रहा था, अभी तक यही काम तो कर रहा था, जो भी इसमें पड़ा है वो बाहर निकाल देता था और फ्रंट को नेक्स्ट लोकेशन पे सेट कर देता था। इस टाइम देखिए अगर मैं ऐसा करूंगा तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो डिलीट होना चाहिए, नहीं नहीं ना। तो आपको एक चीज दिख रही है कुछ, इस बार एक अलग सी चीज हुई है, कोई नोटिस करके बताएगा भाई, कि क्यू में एक स्पेशल कंडीशन होती है, आर के इक्वल हो गया। एफ और आर इक्वल हो गए। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ एफ इक्वल्स इक्वल्स आर है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एंड देखो पे आ गया, मतलब एंड पे नहीं आया, देखो एक क्वेश्चन तो ये लास्ट है, एलिमेंट पे आ गया जो भी अवेलेबल हाँ होगा। देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है आकांक्षा, क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इफ एफ इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 है -1, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, मान लो अंडर फ्लो, ओवर फ्लो, वन एलिमेंट और नो एलिमेंट, कुछ कुछ भी घुमा के दे दिया उसने, है ना। तो ये सिचुएशन पता होनी चाहिए, एक ये कंडीशन यूनिक होती है, अगर एफ इक्वल्स टू आर है और नॉट इक्वल्स टू -1 है। देखो एफ और आर तो तब भी है ना जब -1 है, मतलब क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये है एम्प्टी क्यू की कंडीशन, किसकी है, एम्प्टी क्यू की, और एफ इक्वल्स टू आर इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू -1 है, समझ में आ रही है ना। अब क्या प्रियंका ये -1 के बराबर है, नहीं ना। देखो पहले आप एलिमेंट्स डिलीट कर रहे थे, शुरू में आपकी सिचुएशन कैसी थी कि यहाँ पे एक्स वाई जेड पड़ा था, आकांक्षा आपके से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, बंद कर दीजिए इसको, यहाँ पे फ्रंट है, तो फ्रंट इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या था, फ्रंट और रियर बराबर नहीं थे, तो हम इसको डिलीट करते चले गए सिंपली, ठीक। मगर अगर एफ और आर सर बराबर हो स्क्रीन जाते ना, पॉज हो गई शायद। स्क्रीन पॉज हो गई है, हाँ जी, स्क्रीन तो शेयर है, चल रही बाकी लोग चेक करो भाई स्क्रीन क्लियर है, ठीक है सर, चल रही है, सही है ठीक है ओके। भाई जिसको प्रॉब्लम थी उसको देखिए स्क्रीन अभी, है। हाँ अब हो गया सर। एक सेकंड मुझे हॉटस्पॉट पे ऑन करना है, जस्ट अ मिनट। ठीक है अभी देखो मैंने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। देखो इंसर्शन पे क्या होता है पहली चीज, डिलीशन पे क्या होता है दूसरी चीज, क्यू में जिस एंड पे इंसर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, और इंसर्शन के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, एन क्यू ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, एन क्यू, और डिलीशन के ऑपरेशन को बोलते हैं क्या है, डी क्यू ऑपरेशन। ये बातें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डी ट्रिपल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस एम्प्टी की कंडीशन क्या होती है, और एफ इक्वल्स टू आर नॉट इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स क्यू के अंदर क्या है, क्यू ओनली 1 एलिमेंट, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है क्यू के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये बात क्लियर है सबको। हेलो जी सर, यस सर, अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम, जैसे अब मान लो
प्रियंका क्या होता, अगर मुझे इस केस में क्या करना होता, मान लो फ्रंट और रियर डिलीट करते करते हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं, ओके हमें ये डिलीट करना है, तो फ्रंट ये है आर ये है, फ्रंट और रियर को अगर बराबर हैं तो देखो आप क्या कर दीजिए, बहुत सिंपल काम है, आप क्या करो फ्रंट और रियर इक्वल्स हैं तो आप फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1 कर दीजिए, एल्स में आप क्या करिए, देखो अगर फ्रंट और रियर बराबर होते तो क्या करते हैं, क्या करेंगे पहले तो एक काम, मतलब इसमें अगर आप बनाते तो यहाँ पे पहली चीज तो ये लिख लेते हैं क्यू के फ्रंट में जो भी पड़ा है उसको कहाँ डाल दीजिए, आइटम में, तो क्यू के फ्रंट में जो पड़ा था वो ठीक किसमें चला जाएगा, आइटम में, है और फ्रंट और रियर की वैल्यू दोनों की क्या सेट हो जाएगी, -1, तो यानी ये दोनों यहां से हट के दोनों क्या हो जाएंगे इनिशियली, मतलब किसी को भी पॉइंट नहीं करेंगे, यानी क्यू एम्प्टी हो चुकी है ना। इन केस ऐसा होता कि यहाँ पे एक्स पड़ा था, यहाँ पे वाई, रियर था तुम्हारा यहाँ पे और फ्रंट था तुम्हारा यहाँ पे, उस केस में सिंपली क्या हो जाता, उस केस में आप चेक करो प्रियंका क्या होता जब हम क्यू डिलीशन के एल्गोरिदम चला रहे हैं, तो ये चेक करता क्या फ्रंट और रियर बराबर है क्या, तो फ्रंट और रियर बराबर नहीं है, एल्स में जाएगा, वही सर। तो यानी क्यू के फ्रंट में जो भी है उसको किस में डाल देगा, आइटम में, यानी एक्स को कहां डाल देगा, आइटम नाम के वेरिएबल में, और एफ को कर देगा +1, यानी एफ इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, बस इस एल्गो को अगर आपने बनाया तो ये क्यू डिलीशन का काम करेगा, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब हम एक काम करते हैं नेक्स्ट, बट भैया अगर जैसे ये इस वाले पे आया है, अब यहाँ पे एफ और आर तो इक्वल तो हो गए, बट हमने वाई डिलीट कहाँ किया? वाई डिलीट नहीं किया, ये नहीं डिलीट किया ना आकांक्षा, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्यू के फ्रंट को उठा के किसमें डाल दिया, आइटम में, ठीक है, तो अच्छा जो भी ओके वाई पड़ा था वो बीच में किसके है। अंदर डाल हाँ दिया, ठीक है हाँ ठीक। देखो पहला स्टेप इसमें भी यही था, इसमें भी यही था, अब मैं आपको दोबारा चीजें क्लियर करूंगा, अब हम वापस से आते हैं स्टैक पे, है ना, दोनों का रिविजन हो जाएगा, इसलिए मैंने कल आपको रिवाइज करने के लिए बोला था, मैं इसी के अंदर चेंजेस करके फिर वो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टैक की एल्गो तो हमारे पास लिखी हुई है, जरूरत नहीं है इन चीजों की, ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जरूरत है, अब हमारा थोड़ा कोर्स एक्सटेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि अब देखो हमारे पास टाइम है अभी इनफ करने के लिए, ठीक है, अगर इन चीज को करके रखेंगे बिना कहीं पे छोटे सी चीज घुमा के भी देगा ना, इट विल हेल्प यू इन योर प्रोग्रामिंग फर्स्ट थिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग में तीन चीजें आती हैं, सी भी आएगी, सी प्लस प्लस भी आएगी, डेटा स्ट्रक्चर भी आएगी, डा भी आएगी, ये चारों पार्ट कंबाइन एक ही होते हैं, समझ रहे हो, अगर हम किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं ये हमारी हर चीज में हेल्प करता है, इन चार सब्जेक्ट चारों पैरेलल ही है भाई, ऐसा नहीं आप सी प्लस प्लस में कोई कोड का पे काम कर रहे हैं तो आपका डीएस का रिविजन नहीं हो रहा है, डा का रिविजन नहीं हो रहा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं, हर चीज हर जगह हो सकती है, ठीक, आप वापस आइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पुश का काम कैसे करते थे कि अगर टॉप हमारा एन -1 है तो हम क्या बोल देते थे, प्रिंट कर देते थे ओवरफ्लो, रिटर्न कर देते थे, मान लो आपका एक्स वाई जेड और डब्ल्यू टॉप इस टाइम यहाँ पे है तो टॉप की वैल्यू एन -1 है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इन केस ये नहीं था, सिचुएशन क्या थी कि आपके पास टॉप था हमारा, मान लो ये भी खाली है, टॉप यहाँ पे है तो आप एल्स पार्ट में चले जाएंगे, पहले टॉप को +1 कर देंगे, यानी टॉप आ जाएगा यहाँ पे, आप आइटम को उठाएंगे किसके अंदर डाल देंगे, स्टैक के टॉप में, और रिटर्न हो जाएंगे, क्लियर। अब मुझे एक काम करना था क्यू के ऊपर, शायद मैंने अगले पेज पे क्यू बना रखी होगी, ओके, अब क्यू पे आप पहली चीज चेक कर लीजिए, यहीं पे मैंने सर्कुलर क्यू का बना दिया गया, ओके सर्कुलर क्यू का बाद में चेंजेस करके यहाँ पे दिखा दिए थे, बट सर्कुलर क्यू चलो अभी बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ पे उसी काम को चेंज करते हैं, हमारे पास सेम था ना, एक काम करते हैं इसी को मैं पेज, एक सेकेंड, ठीक है भाई अभी यही पेज है, मतलब पिछला वाला स्टैक का है और ये हमने एक नया पेज जनरेट कर दिया सेम उसी के लिए, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ साफ, इसकी जगह बना लेता हूँ क्यू, आपको एल्गोरिदम लिखना और चीजें, मतलब स्टैक के साथ क्यू भी तैयार हो जाएगी, मान लीजिए आपकी क्यू है, ठीक है, मुझे सबसे पहले इसका ओवरफ्लो चेक करना है, ओवरफ्लो कैसे चेक होगा प्रियंका, ओवरफ्लो चेक करने के लिए हमें किसको यूज करना चाहिए, रियर को या फ्रंट को, पहले ये बताइए प्रियंका, रियर को या मुझे फ्रंट को, सर इंसर्शन किस एंड से करते हैं आप, फ्रंट फ्रंट से, नहीं रियर से, रियर से। ठीक है, देखो कार आपकी होती है तो रियर मिरर, मिरर किसको बोलते हैं जो पीछे होता है, अगर अब ये आपका बैंक काउंटर है तो आपके पहला आदमी यहाँ खड़ा हो गया, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठा, रियर, पीछे की हाँ तरफ जी इंसर्शन होता है ना, तो दैट्स यस व्हाई इट इज सर रियर, सर डिलीशन हमेशा कहां से होगा, फ्रंट से, जो आदमी फ्रंट पे खड़ा है, जैसे कहते हैं ना वॉर फ्रंट पे कौन है, तो जो सैनिक आगे खड़ा है वही तो पहले मरेगा, पीछे वाला थोड़ी मरेगा, तो फ्रंट पे, तो जेलना तो फ्रंट वाले को पड़ता है, ऐसे काइंड ऑफ ऐसे याद रख सकते हैं, तो इंसर्शन रियर से होगा, तो भाई रियर से ही तो चेक करेंगे ना, अगर रियर बढ़ते बढ़ते एन तक पहुंच गया, एन तक का मतलब प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हमें बात करेंगे तो एन -1 तक पहुंच गया, तो हम प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो एंड रिटर्न कर ओवरफ्लो देंगे, अब पीछे आप देख लीजिए मैंने सेम चीज
स्टैक में तो इंसर्शन डिलीशन दोनों टॉप पे होता है ना, दो दोनों चीज एक ही से चेक हो रही है। यहाँ पे किस हो रहा है, इंसर्शन रियर से। तो देखो बिल्कुल सेम है पहला स्टैक की नहीं है, आप देख लो दोनों में टॉप इक्वल्स टू एन माइनस वन ओवरफ्लो रिटर्न। यहाँ रियर अगर बढ़ते बढ़ते एन माइनस वन से आगे पहुंच गया ओवरफ्लो, ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे थे, टॉप को प्लस वन कर रहे थे। मतलब देखो अगर टॉप हमारा यहाँ पे था तो मैं पहले इसको एक बढ़ाऊंगा, अगर ओवरफ्लो नहीं है तो इसको नेक्स्ट लोकेशन पे जाऊंगा फिर अपना आइटम डाल दूंगा। सेम यहाँ पे अगर आपका मान लो यहाँ पे ए पड़ा होता, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो रियर होता यहाँ पे, फ्रंट होता यहाँ पे। अगर रियर आपका ओवरफ्लो नहीं है तो आप पहले रियर को एक पोजिशन बढ़ाएंगे ना। हेलो, यानी पहला काम आपको क्या करना है, रियर को रियर प्लस वन बोलना है। हो गया, तो रियर आपका नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। अभी कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं, आर की वैल्यू टू थी तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रियंका, अभी थ्री हो जाएगी। हो गई, अब आइटम को उठा के हम क्या करेंगे, क्यू के रियर पे डाल देंगे। अगर आइटम को क्यू के रियर पे डालो तो रियर की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो जो भी आपको मान लो जेड डालना था तो जेड कहाँ चला जाएगा, क्यू के रियर में, यानी यहाँ पे इंसर्शन हो गया। बात समझ में आती है। और रिटर्न, अब अगर एक बार और आपको प्रियंका चलाना हो चला लो, दोबारा आपको क्यू इंसर्शन की एल्गोरिदम चलानी है। किसकी, क्यू इंसर्शन की। क्यू इंसर्शन एल्गोरिदम लिखने का तरीका ऐसा होता है, क्यू क्यू इज ए क्यू विद एन एलिमेंट्स, फ्रंट इज ए फ्रंट पॉइंटर, रियर इज ए रियर पॉइंटर, आइटम इज द वैल्यू टू बी इंसर्टेड। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अगर दोबारा चलानी होती तो क्या आप, आर की वैल्यू क्या है इस टाइम, फाइव, फाइव भी गया, हाँ फाइव है। तो क्या आपकी आर की वैल्यू एन माइनस वन के बराबर है, आर कितना है अभी, थ्री है। आर क्या फोर के बराबर है क्या, नहीं तो ओवरफ्लो नहीं आएगा, आप यहां आएंगे, आर प्लस वन को आर बोलेंगे, यानी आर आपका आ जाएगा यहाँ पे। आइटम को उठा के आप क्यू के आर में डालेंगे, मान लीजिए आपको एन इंसर्ट करना था, एन आ गया यहाँ पे और रिटर्न हो जाएगा। मान लीजिए आप एक बार और इसको चला रहे होते तो आर की वैल्यू इस बार क्या थी, एन माइनस वन के बराबर, ओवरफ्लो हो जाएगा, एक और इंसर्शन नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखो मैंने इस प्रोग्राम में आप देख लीजिए चारों स्टेप, वहां पे रियर को रियर प्लस वन करा है, यहाँ पे टॉप को टॉप प्लस वन था, आइटम को स्टैक के टॉप में डाला था, यहाँ क्यू के रियर में डाल रहे हैं और रिटर्न। बट एक डिफरेंस था, मैंने सबसे शुरू में बताया था, वो डिफरेंस क्या था, अभी प्रियंका ऐसा होता सिचुएशन ये थी, क्यू इज एम्प्टी, क्यू क्या है आपकी एम्प्टी है। ओके, अभी आपको पहला एलिमेंट डालना है तो रियर की वैल्यू इस टाइम, रियर भी क्या है माइनस वन, फ्रंट भी किसको शो कर रहा है, माइनस वन को। ओके, इंसर्शन करना है मुझे, रियर की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, माइनस वन, ये बात सही है। क्या माइनस वन इक्वल्स टू है फोर के, नहीं है ना, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। आप आएंगे एल्स पे, रियर प्लस वन को रियर बोलेंगे, रियर की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, जीरो। ओके, आपको अपना आइटम जो भी था स्टैक के क्यू में डाल देंगे, वो क्यू के रियर में डाल देंगे, डल गया एक्स। अब एक बात बताइए, क्या ये इनफ है इतना काम, पहले इंसर्शन पे नहीं मुझे कुछ करना था, क्या करना था, फर्स्ट क्या करना था, कौन बताएगा। फ्रंट की वैल्यू भी प्लस वन रखनी थी। फ्रंट की वैल्यू को हमें सेट कर देना था पहले एलिमेंट पे, ध्यान है प्रियंका। यस तो सर। आपको यहाँ पे एक काम करना है, रियर को खाली प्लस वन नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस क्यू के, देखो क्यू और स्टैक के इंसर्शन में बस इतना अंतर है, आप चेक कर लेंगे, इफ आर इक्वल्स टू माइनस वन था ना, अगर आर की वैल्यू माइनस वन है तो आप फ्रंट को जीरो सेट कर दो, फ्रंट को क्या सेट कर दो, जीरो सेट कर दीजिए, और आर जीरो को तो आर प्लस वन करना ही है, सिंपल। क्लियर हुई बात की नहीं, आप सिर्फ इस सेकंड स्टेप में ये और चीज ऐड कर दो। देखो अब अगर रियर की वैल्यू माइनस वन होती, या रियर की जगह फ्रंट कुछ भी लिख लो, भाई एक चीज माइनस वन है तो दूसरी भी तो माइनस वन ही होगी, रियर लिख लो फ्रंट लिख लो व्हाटएवर। अब इस केस में रियर की वैल्यू, पहला एलिमेंट जब आप इंसर्ट कर रहे थे उस केस में रियर और फ्रंट दोनों ही क्या थे प्रियंका, माइनस वन थे जब ये कंडीशन चेक हो गई, -1 तो इस टाइम पे फ्रंट को क्या कर देगा ये, जीरो। तो फ्रंट कहां पे सेट हो गया, जीरो पे, नीचे जाएगा आर प्लस वन कर देगा की वैल्यू आर में, आर की वैल्यू माइनस वन थी, आर भी यहाँ सेट हो जाएगा, आइटम को उठा के यहाँ डाल दो। क्लियर हुई। इसके बाद आप जब भी इंसर्शन करेंगे क्या ये स्टेप चलेगा, कभी ये नहीं चलेगा, इंसर्शन के केस में नहीं अगर चलेगा, क्योंकि रियर, भी हम यहाँ पे कंडीशन यही लगा देते दोनों के लिए, इफ आर मतलब इफ आर इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू -1 तो भी तो सेम बात है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये हम एल्गोरिदम में लगाने में बोल रहे हैं, इफ एफ बराबर आर बराबर बराबर माइनस वन, प्रोग्रामिंग कैटेगरी अगर हम लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं पहली हाँ बार, नहीं और दूसरी बात एंड वो तो फिर एंड के एंड केस में लगा के होगा। कर लेंगे। हाँ बट एक बात बताओ, कंप्यूटर से दो काम, मतलब देख इसको चेक करने में मान ले 1 नैनोसेकंड लग रही है, फिर 1 नैनोसेकंड इसमें लगेगी, फिर इन दोनों के अच्छा आप ये रिजल्ट को कह रहे हो कंपेयर कि करने में एक और नीडी क्या नैनोसेकंड है। लगेगी। नीडी क्या है,
आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में चाहे आर बराबर माइनस वन से चेक कर लो, चाहे एफ बराबर माइनस वन से चेक कर लो, चाहे तीसरी ये लगा लो, प्रोग्राम तीनों से बिल्कुल सही चलेगा। समझ भाई? तो प्रोग्रामिंग में मतलब है आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग कर रहे हो और वहां पे आप चीज सिर्फ बढ़ा रहे हो, उसका कोई फायदा कर नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ एफ इक्वल्स टू माइनस वन है तो एफ की वैल्यू जीरो कर दो, दैट्स इट। यानी केवल किस केस में, जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा। समझ में आ गई कि नहीं? अब डिलीशन में हम कैसे करते थे, डिलीशन में हम कैसे कर रहे हैं प्रियंका? मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई और जेड पड़ा है, फ्रंट कहां पे होगा इस टाइम? यहाँ पे होगा वो, सॉरी रियर यहाँ पे, फ्रंट यहाँ पे है ना। अब मुझे एक डिलीशन करना था, स्टैक में डिलीट कैसे करते थे? देखो टॉप की वैल्यू अगर माइनस वन है तो अंडर फ्लो कर देते थे, बाहर आ जाते थे, वरना हम क्या करते थे, क्या करते थे, स्टैक के टॉप में जो पड़ा है उसको किस में डाल दिया, लोकेशन या किसी भी चीज में, टॉप माइनस वन को टॉप कह दिया। यहाँ पे हम क्या चीज कर रहे हैं, सिंपली बहुत सिंपल सेम काम होगा। यहाँ पे डिलीशन कैसे होगा, अगर टॉप की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे प्रियंका, अगर फ्रंट की वैल्यू माइनस वन है फ्रंट तो, यानी अगर फ्रंट और रियर दोनों ही माइनस वन होते तो अंडर फ्लो होता कि नहीं, दोनों से एक, हाँ कोई भी जी एक माइनस वन है, दैट मींस क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो डिलीट करोगे क्या? तो यानी यहाँ पे टॉप की जगह सिर्फ क्या लगा दो, एफ लगा दो, कहानी बन फ्रंट जाएगी, है ना। यहाँ पे आ गया फ्रंट बराबर माइनस वन है तो अंडर फ्लो। फिर हम स्टैक के टॉप में जो था वो लोकेशन में डाल रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो क्यू के फ्रंट पे पड़ा है, यानी जो क्यू के फ्रंट पे पड़ा है उसको उठा के किसमें डाल दो, लोकेशन में, ये आइटम व्हाट एवर नेम यू वांट टू गिव, हो गया। अब आपको क्या करना था, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, टॉप माइनस वन को टॉप कह रहे थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन कर रहे हो, ये बात सही है कि नहीं? देखो इसको डिलीट, अगर आपने फ्रंट को यहां ले गए तो इस आइटम से, तो इस लोकेशन से तो मतलब वास्ता ही आपका खत्म हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। अब आपका फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। अब इसको चला के देखो प्रियंका, एक दो बार और चलाओगे ना तो पता चलेगा फ्रंट की वैल्यू। इस बार मेरे को एक और डिलीट करना था, क्या फ्रंट की वैल्यू माइनस वन है? फ्रंट की वैल्यू है प्लस वन, यानी इंटर फ्लो प्लस नहीं होगा, नीचे जाएंगे, क्योंकि फ्रंट पे जो पड़ा है उसे लोकेशन पे डाल देंगे, यानी वाई को लोकेशन पे डाल देंगे, निकल गया। फ्रंट प्लस वन को फ्रंट कह देंगे, भाई किसी की आवाज आ रही है पीछे बहुत ज्यादा, तो अब फ्रंट आपका आ गया यहाँ पे, क्लियर। अब एक बार और प्रियंका इसको चलाओगे आप तो फ्रंट की वैल्यू टू है, क्या टू इक्वल टू माइनस वन है? एक और डिलीट करना था मुझे, ओके नहीं होगा। अब क्यू के फ्रंट पे जो पड़ा था उसको लोकेशन पे डाल दिया, ओके, जेड को उठा के आपने जिसमें भी डिलीट करना था वहां डाल दिया। अब अगर इस बार आपने फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन कर दिया तो ये यहाँ सेट हो जाएगा और कोई गार्बेज वैल्यू अगली बार डिलीट करेगा, इज इट और नॉट? यानी आपको ये चीज नहीं चाहिए थी, यानी हमें देखो बिल्कुल ये स्टैक के डिलीशन की यानी पॉप की एल्गोरिदम है, लेकिन इसमें एक चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है कि अगर इफ फ्रंट और रियर दोनों बराबर है तो आप क्या कर दीजिए, फ्रंट में भी माइनस वन डाल दीजिए सेमी कॉलन, और रियर में भी क्या डाल दीजिए, माइनस वन, एल्स फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन। अगर ऐसा है तो दोनों को माइनस वन कर दीजिए, वरना हर बार फ्रंट को फ्रंट प्लस वन करना है। तो देखो इस केस में क्या होगा आकांक्षा, वो प्रियंका, ये बात ट्रू हो जाएगी, फ्रंट इक्वल्स टू रियर है, ये कंडीशन ट्रू होगी ना। अब फ्रंट और रियर बराबर थे तो ये दोनों की वैल्यू को क्या सेट कर देगा, माइनस वन, यानी दोनों यहां से पॉइंट ना करके अब कहां से पॉइंट करेंगे, माइनस वन, यानी दोनों में से कोई भी क्यू को पॉइंट नहीं कर रहा और रिटर्न हो जाएगा। अगली बार अगर आप डिलीट करने की कोशिश करते तो क्या आ जाता, फ्रंट इक्वल टू माइनस वन है ना, तो यहीं पर अंडर फ्लो की कंडीशन प्रिंट हो जाती कि अंडरफ्लो कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से क्यू और स्टैक दोनों हो गए होंगे, इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, इतनी की भी नहीं थी, एल्गोरिदम कर लोगे वेल एंड गुड, नहीं भी करोगे इतनी बात से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा ये दो चीजें और दो जो इधर लिखी हैं, दीज फोर थिंग्स आर मोर देन इनफ, क्लियर हो गई बात सबको? अभी सर्कुलर क्यू की कुछ बात बतानी है, प्लस क्यू में क्या एक प्रॉब्लम है, किस लिए हमें सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ी और डी क्यू क्या होती है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो, इतना क्लियर है भाई हाँ सबको? जी दो सेकंड हाँ सर एक मिनट का गैप लेते हैं, बस पानी पी लेता हूँ। इतना आप भी दिमाग को सेट कर लो, इसको आप देख लो, कुछ डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, फिर एक मिनट में हम करते हैं, ठीक है।
जाएंगे। हेलो करे भैया आगे। हाँ सर, निताश्री क्यू क्लियर हो गई और स्टैक अब तो आज रिवाइज भी हो गया। स्टैक 2-3 बार क्लियर हो गया होगा अब तो सब बच्चों का स्टैक पूरी तरीके से। मीना पूजा सर। क्लियर यस सर। है? ओके। आकांक्षा राशि क्लियर है आपको भी? हाँ जी हाँ भैया। जी। हाँ जी। ओके। कुछ बच्चे लीव हो गए क्या? 3-4 तो है नहीं। ओके अब आया एक। पूजा। अच्छा निताश्री नहीं है। निताश्री अभी तो उसने ज्वाइन कर रखा था। निताश्री अच्छा हाँ मानव सोलंकी से है तो आप। पूजा है। और प्रियंका नेहा 26 से कौन ज्वाइन है? चलो ठीक है अभी यहाँ पे देखते हैं हम। क्यू में इंसर्शन डिलीशन हमारा हो गया तो प्रियंका अब क्यू की एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? क्यू हमें सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ी है। अभी हम सर्कुलर क्यू समझेंगे और सर्कुलर क्यू में केवल मैं इंसर्शन डिलीशन की आपको सिर्फ कंडीशन बता दूंगा। इसके एल्गो नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। एल्गो जो ये थी ये बनी हुई थी एल्गो बस उसी से काम चल जाएगा। बाकी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एल्गो चला के देखने का आपको डी ट्रिपल एस बी के लिए कोई जरूरत नहीं है। केवल कंडीशन जरूरी है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है वो आप देख लेना। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है। कोई एक अनम्यूट कर लो। प्रियंका कहाँ गए? सर क्या हो रहा है? नेट में प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्रियंका ये है नहीं। नहीं निताश्री सर। ठीक है। कोई भी एक अनम्यूट रख लो। सर्कुलर क्यू में क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए मैंने ए को इंसर्ट करूंगा तो मैं जब ए को इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा? फ्रंट और रियर यहां पे आ जाएंगे। क्यू का रिवीजन हो जाएगा एकदम 1 मिनट में। आ जाएंगे यहाँ पे कि नहीं निताश्री? अब एक और इंसर्शन करना है उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रियर को एक बढ़ाएंगे इंसर्शन कर देंगे। एक और इंसर्शन करना है रियर को बढ़ाएंगे इंसर्शन कर देंगे। एक और करना है रियर को बढ़ाएंगे इंसर्शन कर देंगे। इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। होगा ऐसा कि नहीं? हाँ अब सर। मान लीजिए मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना था तो मैं क्या करूंगा? जो क्यू के फ्रंट में पड़ा था उसको निकाल दूंगा और फ्रंट को एक बढ़ा दूंगा। एक और डिलीट करना था तो जो क्यू के फ्रंट में था उसको निकाल दूंगा और फ्रंट को एक बढ़ा दूंगा। कंसीडर करिए मेरी सिचुएशन अभी ये है। ये बात समझ में आती है? अब मान लो मुझे एक और इंसर्शन करना है। मैं पहले क्या करूंगा? रियर को एक बढ़ाऊंगा इंसर्शन कर दूंगा। फिर मेरे को एक और इंसर्शन करना है। मैं रियर को एक बढ़ाऊंगा और इंसर्शन कर दूंगा। मान लीजिए इंसर्शन हो चुके। सपोज प्रदीप मैंने एक सर डिलीट कर दिया तो मैं डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्यू के फ्रंट में जो है उसको निकाल दूंगा और फ्रंट को एक बढ़ा दूंगा। यही काम होगा। बढ़ा दूंगा। अब आप ये देखिए मुझे एक इंसर्शन करना है तो इंसर्शन करना है तो क्या एल्गो चलेगी? पीछे देखो एल्गो क्या चलेगी? अगर रियर है एन माइनस वन के बराबर तो प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो। इस टाइम रियर की वैल्यू क्या है? मान लो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर एन की वैल्यू आपके 6 थी तो क्या इस टाइम रियर हमारा एन माइनस वन पे है कि नहीं है?
हाँ सर, ओवरफ्लो तो ये क्या कर देगा, ओवरफ्लो कर देगा। बट कर क्या ऐसा देगा, है क्या, क्यूब पूरी भरी हुई है क्या, खाली है सर। हाँ खाली है ना, तीन एलिमेंट की जगह है कि नहीं है। मान लीजिए सर, बैंक में आपके 6 आदमी खड़े हो सकते हैं, ये 6 खाने हैं, 6 आदमी खड़े हो सकते हैं, इसकी सर्विस उसने कर दी, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब इसका नंबर है, ये 3 खड़े हैं, अब एक और नंबर आया, उसको क्यू में मुझे नंबर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना भाई। देना मेरे पास मान लीजिए 6 टोकन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, एक आदमी जो सबसे शुरू में आया मुझे टोकन नंबर 1 दे दिया, समझ भाई। फिर अगला कोई आदमी आया मैंने टोकन नंबर 2 दे दिया, अगला कोई आया मैंने टोकन नंबर 3 दे दिया। अगर जैसे ही बैंक मैनेजर आके बैठेगा या बैंक का एम्प्लॉय, वो क्या कहेगा, टोकन नंबर 1 की आवाज लगाएगा, 1 की सर्विस दे देगा, फिर टोकन नंबर 2 की आवाज लगाएगा, चलो इसको सर्विस दे दी, इतने में कोई और इंसर्शन हुआ तो उसको टोकन नंबर 4 दे दूंगा, फिर कोई आया उसको टोकन नंबर 5 दे दूंगा, फिर कोई आया टोकन नंबर 6 दे दूंगा। क्लियर है बात। लेकिन टोकन नंबर 2 तक सर की सर्विस हो गई, अब टोकन नंबर 3 की कर रहा है, अभी कोई आएगा तो उसको टोकन नंबर 1 दे दो ना दोबारा, तो वो 3 4 5 6 को करेगा, फिर 1 को कर लेगा, इसलिए सर्कुलर क्यू की जरूरत थी। क्लियर हुई कि नहीं। ओके सर्कुलर क्यू में हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अगर हमारी क्यू एम्प्टी भी थी ना, स्टिल वो ओवरफ्लो दिखाता था। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे रियर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए, N-1 तक, तो आप रियर को दोबारा कहां सेट कर दीजिए, 0 पे, इधर डालने शुरू कर दीजिए एलिमेंट, यानी एक्स आपने यहां डाल दिया, फिर एक और डालना है तो वाई यहां डाल दो, मान लो वाई यहां डाल दो, रियर को यहां सेट कर दो, एक और डालना है तो रियर को यहां सेट करो और यहां पे डाल दो, एक और डालना है तो आप रियर को यहां पे सेट कर लो, दिख रहा है। अब अगर मैं रियर को यहां पे सेट करके एलिमेंट डाल दूं, तो मुझे डालना चाहिए या रुक जाना चाहिए था, बताइए। पहली बात, इस केस में मुझे रुक जाना चाहिए था या डाल देना चाहिए था, बोलिए। देखिए अभी जाना आपकी चाहिए। सिचुएशन क्या थी, आप यहां तक पहुंच चुके, रियर यहां पे है, घूमते घूमते आप यहां पे आ गए, यहां पे पहले के एलिमेंट पड़े थे, अगर मैं इसको रियर को एक और +1 कर देता तो ये यहां आ जाएगा। अगर मैं अब एलिमेंट डाल दूं तो दिक्कत क्या होगी, जो डी था वो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब जो लाइन में पहले खड़ा था उसकी जगह मैंने किसी और आदमी को वो टोकन दे दिया उससे छीन के, तो गलत है ना, पहले इसकी सर्विस होनी सर चाहिए, यानी मुझे यहाँ ओवरफ्लो दिखाना चाहिए था। तो देखो बच्चों इसमें काम हमने यही किया है, सबसे पहले आप यहाँ पे बढ़ाने का काम करते, देखो जैसे हम क्यू में ओवरफ्लो चेक कर रहे थे, अब चक्कर क्या है, हम सबसे पहले ओवरफ्लो चेक कर लेते थे, यहाँ पे तो ओवरफ्लो चेक ही नहीं हो पाएगा, उसकी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही। अगर इससे चेक करेंगे N-1 के बराबर पहुंचने से ओवरफ्लो है, वैसा तो होता ही नहीं ना यहाँ पे। प्रियंका हेलो, हाँ जी ऐसा होगा क्या, ओवरफ्लो इससे चेक नहीं होगा ना, आप बीच में नहीं डिस्कनेक्टेड हो गए सर, थे शायद, है ना। ये सर वो ओके नेटवर्क ओके, प्रॉब्लम थी शायद। नो प्रॉब्लम, अभी तो सभी हैं, अब फिर एक बच्चा कम है, कोई बीच बीच में सब कैसे ही हो रहे हैं क्या, इरफान शाह दोनों है, हिना मानव, प्रदीप, ओके, फिर किसी का एक का ब्रेक हुआ है। चलिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इससे N-1 से चेक करूंगा तो ओवरफ्लो कभी चेक नहीं हो पाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे आपको ओवरफ्लो दिख रहा है कब होता है, जब रियर और फ्रंट बराबर हो जाएंगे, सर्कुलर क्यूब में दिख रहा है रियर और फ्रंट, बट ऐसा नहीं है। देखो ओवरफ्लो कब था, जब फ्रंट आपका यहां पे था रियर यहां पे था, मगर अगर मैं इस तरीके से काम कर दूंगा, देखो फ्रंट है यहां पे और रियर है यहां पे, बट इससे चेक नहीं हो पाएगा ना, ये इससे चेक क्यों नहीं हो पाएगा, अगर मैं रियर इससे छोटा है, ऐसे करके कंडीशन चेक नहीं हो पाएगी ना। आपको सबसे पहला काम कई तरीके से बन सकता है, देखो एल्गो अपना दिमाग लगाने की, बट अगर मैं ऐसा कर दूं, पहला स्टेप मैंने बढ़ाने का रख रखा है, पहले सिर्फ बढ़ाओ, बढ़ा के चेक करो, अगर रियर और फ्रंट बराबर हो गए तो ओवरफ्लो कह दो। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर फ्रंट बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए, आर तक पहुंच जाए, अगर फ्रंट किसके बराबर, सॉरी रियर रियर तक नहीं, एन तक, फ्रंट बढ़ते तक बढ़ते, सॉरी इंसर्शन कर रहे हैं ना, फ्रंट क्यों बढ़ाएंगे, रियर बढ़ाएंगे, अगर रियर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाए, एन तक, तो रियर को 1 पे सेट कर दो दोबारा से, एल्स हम क्या कर रहे हैं, रियर को सिर्फ 1 बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, पहला काम हमने ये किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चेक कर रहे हैं ओवरफ्लो की कंडीशन, यहां पे आप चेक कर लीजिए, इफ एफ बराबर बराबर आर के है तो प्रिंट कर दीजिए ओवरफ्लो, एंड यहीं पे कर जाइए रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है, देखो हमने यहां सिर्फ स्टेप चेंज किए हैं, क्यू और सर्कुलर क्यू में ज्यादा कुछ अंतर नहीं किया है, अब आप यहाँ पे चाहे करके भी देख लीजिए, मैं आपको ओवरफ्लो चेक करा के दिखा देता हूँ, इस एल्गो को चला के, एलिमेंट मैंने कम मान लिए 0 1 2 3, 4 एलिमेंट ही मान लिए, शुरू में रियर और फ्रंट क्या है, दोनों क्या है, -1 है, -1 चला के देखो आपको क्यू का रिविजन भी हो जाएगा, तो कोई बात ना, थोड़ी सी मेहनत और सही, रियर की वैल्यू क्या है, -1, फ्रंट की वैल्यू क्या है, -1, चला के देखिए दोनों की, क्या दोनों बराबर हैं, हेलो दोनों बराबर हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए था, रियर को 1 पे सेट करना चाहिए, सर।
है ना। हाँ अबे भैया यहाँ पे दोनों बराबर की कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, ये चेक हो रहा है क्या रियर एन के बराबर है, तो क्या रियर एन के बराबर है क्या आपका, किसी भी चीज में हाँ हाँ करे जा रहे हो, रियर क्या एन के बराबर है क्या, एन क्या था यहाँ पे, एन की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ -1 आएगा, एन की वैल्यू क्या है -1, और वो माइनस क्या वन इक्वल टू 4 है क्या, एन माइनस नो वन, एन माइनस वन कर लीजिए, तो एन माइनस वन अगर आप करेंगे तो क्या उसके बराबर है, नहीं है। अगर ऐसा होता तो आर को 1 कर देते, ऐसा नहीं है तो आर को आर प्लस 1 कर देंगे, यानी रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इतनी बात सही है प्रियंका, ये काम हो गया। अब क्या फ्रंट और यस रियर बराबर है क्या, नहीं है। अब देखो इस केस में नहीं है, आर की वैल्यू हो चुकी है 0, फ्रंट की वैल्यू है -1, तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो ओवरफ्लो नहीं आएगा। क्लियर हो गई या नहीं नहीं हुई। अगर इस स्टेप को मैं पहले चेक कर लेता ना प्रियंका, तो प्रॉब्लम क्या है, जब ये क्यू बिल्कुल खाली थी ना तब भी तो रियर और फ्रंट बराबर थे कि नहीं, -1 -1 पे, तब भी ओवरफ्लो दे देता, इसलिए इसको मैंने एक स्टेप नीचे चेक किया है। यस बात सर समझ में आ रही है, पहले मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ा लिया जो भी पॉइंटर बढ़ाना था, फिर चेक किया। अब आप चला के देखिए क्या फ्रंट और रियर बराबर है, नहीं है, फ्रंट की वैल्यू है -1 और रियर की वैल्यू है 0, तो ओवरफ्लो नहीं आएगा। आइटम को उठा के क्यू के आर में डाल दीजिए, मान लो ए डालना है डाल दिया, अब चेक करो क्या फ्रंट -1 के बराबर है, यस, तो फ्रंट की वैल्यू को 0 कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा स्टेप था वो जो हमने वहां किया था, पिछले में दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया था, यहीं पे लगा दी थी, एक ही स्टेप में दोनों काम निपटा दिए थे। यहाँ पे क्या किया, पहले बढ़ा लिया फिर चेक कर लिया, तो फ्रंट को 0 पे सेट कर दिया, दोनों सेट हो गया। पहले एलिमेंट की इंसर्शन पे यही होना चाहिए था कि नहीं, थ्योरेटिकली जब पहले एलिमेंट डाल रहे हैं एफ और आर दोनों इस पे आ जाने चाहिए थे, एल्गो ने भी यही काम किया। ओके अब अगला एलिमेंट इंसर्ट करना है, क्या आर की वैल्यू n-1 के बराबर है, नहीं है, तो आर को प्लस वन कर दो, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आर पॉइंट करेगा इसको। ये बात भी ठीक है यहां तक, ठीक है कि नहीं है। क्या फ्रंट और रियर बराबर है, ओवरफ्लो नहीं होगा। आइटम को उठा के क्यू के रियर में डाल दो, डाल दो साहब, बी डाल दो यहाँ पे। फ्रंट क्या -1 है क्या, फ्रंट की वैल्यू है 0 हो चुकी थी पिछली जीरो बार ही, है ना, तो फ्रंट इस ये वाला स्टेप पहले ही बार में चलता है ना, अब तो चलेगा ही नहीं, रिटर्न हो जाएगा। अगर एक और एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना होता दोबारा से, क्या होता है, मैं चला नहीं रहा, रियर आ जाता यहाँ पे, फिर ये कहानी पूरी चल जाती, ठीक है। अब मान लीजिए इतने से काम चलेगा आपका, नहीं एक आध डिलीशन भी करके देख लो, तो एक आध डिलीशन कर लेते हैं पहले, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब क्यू को डिलीट करना है तो सिंपली पहला वाला काम कर लेते हैं, अगर फ्रंट है -1 के बराबर अंडरफ्लो कर दो, वरना क्यू के फ्रंट में जो था उसको लोकेशन में डाल दो, यानी ए को उठाओ और कहाँ डाल दो, लोकेशन पे। अब चेक कर लो अगर एफ और आर बराबर थे दोनों को -1 कर दो, वरना आप क्या करते थे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन। प्लस ये केवल हम उस वाले का काम कर रहे हैं, किसका, जो हमने किसमें किया था अभी सिंपल क्यू में, बट देखेंगे किसी और एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत पड़ेगी क्या। देख लीजिए आप क्यू के डिलीशन में सेम स्टेप है ये, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम, वही सेम स्टेप सर्कुलर क्यू में भी लिख रखे हैं, और ये परफेक्टली काम करेगा इस पर्टिकुलर के लिए अभी। तो क्या होगा, क्यू के फ्रंट में ए था उसको निकाल के बाहर फेंका, क्या फ्रंट और रियर बराबर थे क्या, नहीं थे, तो नहीं नो एल्स में एफ इक्वल टू एफ प्लस वन कर दिया, यानी एफ हो गया यहाँ पे सेट, है ना। हेलो क्लियर, यहां तक कोई समस्या आई नहीं। अब एक चीज देखो, अब मुझे एक और इंसर्शन करना था, तो इंसर्शन के एल्गो चला लो, तो एल्गो चल जाइए, आर को प्लस वन कर दो और आर पे क्यू के रियर पे वो एलिमेंट डाल दो, डल गया, ठीक है। अब मुझे एक और इंसर्शन करना था, क्या करना था मुझे, एक और इंसर्शन होना चाहिए था सर्कुलर क्यू के केस में, होना चाहिए ना भाई। हेलो, तो अब आप चेक करके देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू n-1 के बराबर है क्या प्रियंका, आर की वैल्यू है n-1 की वैल्यू है 4-1 3, तो आर की वैल्यू 3 हो चुकी है कि नहीं, कंडीशन हो गई ट्रू, तो आर को कहाँ सेट कर दिया हमने, 1 पे। अब देखो चूंकि मैं एल्गो की टर्म में बना रहा हूँ ना, अब अगर इसको सी में इंप्लीमेंट करना है तो आर को 0 करना चाहिए, तो आर कहाँ आ गया आपका, जीरो 0। अब कहानी सही है, अब आपका देखो पॉइंटर सेट हो चुका है, क्या एफ और आर बराबर है प्रियंका, नहीं तो ओवरफ्लो नहीं आएगा, यानी आइटम जो भी आपको डालना था, मान लो एम डालना था, एम को उठा के डाल लीजिए। क्या फ्रंट -1 के बराबर है, नहीं है, तो ये स्टेप तो पहले जब एलिमेंट डालते हैं तभी चलता है, रिटर्न हो गया। अब आप ओवरफ्लो भी चेक करके देखिए, एक बार और इंसर्शन करो, तो इस बार इंसर्शन होना चाहिए या प्रियंका ओवरफ्लो आना चाहिए, बताइए, ओवरफ्लो है आएगा सर, ना। क्योंकि अब वहां आप पे चेक करके ऑलरेडी देखिए, है। हाँ तो आप चेक करके देखिए क्या हमारी एल्गो सही काम कर रही है, क्या आर -1 के बराबर है, नहीं है, तो आर इक्वल टू आर प्लस वन हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पे, हो जाएगी। अब क्या यस एफ और आर बराबर सर, है तो यस ओवरफ्लो हो सर, जाएगा, ओवरफ्लो। है ना। और हमें यहाँ पे एक स्टेप और लिखना चाहिए, देखो किसी को कम लग रहा है कोई स्टेप, क्या यही इतना ही नफ है। हेलो आकांक्षा आप बताइए, क्या ये स्टेप सही है या कुछ चेंजेस करने चाहिए, दिख रहे हैं सामने सामने वैसे।
आपको प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है, तो आप देख के बताओ मुझे जरा। ये जो है बी पे आया तो बी डिलीट हो गया है ना? भी डिलीट नहीं होगा, ओवरफ्लो चेक होगा जस्ट, तो इंसर्शन नहीं होगा, वही नहीं करना था मुझे। नहीं, ये तो हम इंसर्शन करते करते आए हैं आर, मैं एफ की बात कर रही हूँ। इंसर्ट तो किया ही नहीं ना अभी। नहीं, हाँ, जब हमने एम की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी, आर हाँ, आगे हमारा एफ के पास, ठीक है, एफ के जो पास एफ अभी नहीं पहले। आया था, जब तक एम इंसर्ट किया था तब तक आर यहीं पे था। अगर मैं एक और इंसर्शन नेक्स्ट। करना चाह रहा था, यानी अब दोबारा से स्टेप चलाऊंगा इंसर्शन, मान लीजिए मुझे इस बार जेड इंसर्ट करना था, तो क्या होगा, मुझे जेड इंसर्ट करना है तो दोबारा मैं इंसर्शन के एल्गोरिथम पे जाऊंगा, ये चेक करेगा कि आर एन माइनस वन के बराबर है, नहीं है, तो आर को आर प्लस वन करेगा, अब ये आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड स्टेप चलेगा इंसर्शन से पहले, इंसर्ट तो ये तीसरे स्टेप हो रहा है, आइटम आप कहाँ डाल रहे हो, आइटम को डाल रहे हो क्यू के रियर में, तीसरे स्टेप में, तो आप तो दूसरे पे ही ओवरफ्लो करके रिटर्न हो गए ना, तो आइटम क्यों डलेगा, नहीं डलेगा। मगर देखो आकांक्षा, प्रॉब्लम पता क्या हुई है, टाइम ना लगाते हुए। नहीं, एक्चुअली मेरा कंसर्न वो नहीं था, मेरा कंसर्न ये था कि ये तो आर का हुआ कि इंसर्शन के टाइम पे आर उसके बराबर आ गया एफ के। मैं तो उसकी बात करूं जो लास्ट डिलीशन हमने किया, तो लास्ट डिलीशन जब हमने किया एफ की डिलीशन, वैल्यू, हाँ हाँ डिलीशन एफ हाँ जब हमने लास्ट डिलीशन किया, हम लास्ट बी पे डिलीशन आए। हमने ऐसे डिलीट किया था, यहाँ पे उस टाइम पे सिचुएशन में ए बी सी पड़ा था, डी खाली था, फ्रंट था यहाँ, रियर था यहाँ, मैंने ये को डिलीट किया था, सक्सेसफुली हो गया था, फ्रंट बी पे आ गया था, क्या प्रॉब्लम थी भाई, मुझे डिलीट करना था ना ये, तो पहली बार जो मैंने डिलीट करना था, आपने क्यू के फ्रंट में जो पड़ा था, क्यू के फ्रंट में तब क्या पड़ा था, ए, उसको उठा के लोकेशन में फेंक दिया, फिर हमने चेक किया क्या फ्रंट और रियर बराबर थे, क्या बराबर होते तो अंडरफ्लो दे देते, मतलब सॉरी दोनों को माइनस वन पे सेट कर देते, यानी क्यू एम्प्टी कर देते, मगर बराबर नहीं थे तो प्लस वन, हम, ठीक हमने है। एफ को आगे सेट कर दिया था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, एफ को हम यहाँ ले आए थे, वही हमें चाहिए भी था भाई, पिछली लोकेशन खाली हो चुकी है, ठीक है। अभी के केस में प्रॉब्लम ये हो रही है आकांक्षा, अगर हमने ये स्टेप करके छोड़ दिया ना इतना, तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, आर यहाँ पे सेट है, देखो आर को आपने चेंज नहीं किया ना, आर जबकि कहाँ होना चाहिए था, दोबारा वापस जीरो पे जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंसर्शन होना था इस लोकेशन पे, होना है कि नहीं है, जबकि अभी आर की वैल्यू आप क्या कितनी सेट कर चुके, वन सेट कर चुके, मान लो इन केस आप बी को डिलीट कर दो, सी को डिलीट कर दो, तो फ्रंट तो यहाँ पे होगा, उस केस में तो आप इंसर्शन कर पाएंगे ना, बट वो फिर इस वाले नंबर पे डिलीट इंसर्शन नहीं करेगा, वो कहाँ करेगा, आर तो यहाँ सेट है, तो आर को प्लस वन करके यहाँ कर देगा, ये लोकेशन एम्प्टी रह जाएगी, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, प्रोग्रामिंग पे अगर आपका काम ठीक है तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जो भी बच्चा, ओके, आई गॉट योर पॉइंट, हाँ, अगर आपकी प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे हमने ये मूव थी, कर दिया हमने है, आर को तो बट शिफ्ट कर दिया हाँ, ना, यानी आर अगर, को शिफ्ट कर दिया, बट हाँ, हमने इन आइटम नहीं डाला। आपने आइटम तो डाला नहीं, वो तो ओवरफ्लो कर गया भाई, फ्रंट उस टाइम पे यहाँ था, फ्रंट था यहाँ पे, आपने रियर को प्लस वन कर लिया, यानी रियर आ गया यहाँ पे, ठीक है, मगर आपने स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में इसने चेक किया फ्रंट और रियर बराबर है तो ओवरफ्लो दे दो, चलो वो काम तो दोनों बराबर थे, ओवरफ्लो करके बाहर आ गया, लेकिन आपको इतना भी तो करना चाहिए ना, यहाँ पे आपको रियर इक्वल टू रियर माइनस वन भी कह देना चाहिए, अगर फ्रंट और रियर बराबर थे तो, जिससे ये माइनस वन करके मतलब ओवरफ्लो प्रिंट कर दे, मगर रियर को तो माइनस वन करके पीछे पहुंचा दो ना कम से कम, क्योंकि रियर वापस से दोबारा यही आ जाना चाहिए ना भाई, अपनी लोकेशन पे यहाँ पे दोबारा सेट हो जाना चाहिए, जिससे आगे कभी ये डिलीट हो, ये डिलीट हो, फ्रंट आपका यहाँ चला भी जाए, इंसर्शन हो, तो रियर को यहीं पे भेजे, जबकि अगर आप यहीं सेट छोड़ देते तो ये लोकेशन भले से खाली भी हो जाती है डिलीट होके, रियर को रियर प्लस वन करके यहाँ लेके आता, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी ना है, गोली मारो अभी उतना, मतलब जिसको समझ में आ गया ठीक है, वरना खुद चला के भी देखोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या चीज जरूरी है, यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन क्या चेक हो जाती है, देखो अगर फ्रंट और रियर बराबर हो जाए और दोनों माइनस वन के बराबर नहीं है, ये किसकी कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, बोल लो भी, ओवरफ्लो इन यू में सर्कुलर एक ही क्यू, एलिमेंट होगा। नहीं, सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो आप इसी से चेक नहीं कर रहे क्या, अभी सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो हो जाएगा ये, नहीं देखो आप ओवरफ्लो कैसे चेक कर रहे हैं, पूरी भर तो नहीं गई, जब फ्रंट और रियर बराबर हो जाते हैं, मगर फ्रंट और रियर तो तब भी बराबर थे ना, जब जीरो कुछ था ही नहीं क्यू में, तो यानी इसलिए माइनस वन, हेलो समझ रहे हैं आप बात मेरी, समझ रहे। और जबकि नॉर्मल क्यू में पता है किसकी कंडीशन है, नॉर्मल क्यू में किसकी कंडीशन है, ये सर्कुलर क्यू में ही है,
और द सेम कंडीशन, ये सेम कंडीशन नॉर्मल क्यू में किसकी है? एम्प्टी की नहीं है भाई, जब वन एलिमेंट प्रेजेंट हो क्यू के अंदर। अभी करवाया था ना, देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था, अगर फ्रंट और रियर -1 है तो अंडर फ्लो। देखो आप यहाँ पे देखो, ये आपकी क्यू है 0 1 2 3, क्यू में कुछ है ही नहीं, फ्रंट भी -1 क्यू और रियर भी -1, इसका मतलब क्या है? दोनों कहीं पे सेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? अंडर फ्लो है, ठीक है, एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब ऐसा होती सिचुएशन तो फ्रंट होता यहाँ, रियर होता यहाँ, ठीक है, बट मैं इसको डिलीट कर दूं तो फ्रंट हो जाएगा यहाँ, इसको भी डिलीट कर दूं तो फ्रंट आ जाएगा यहाँ। इस केस में फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, बट दोनों -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्यू में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ भाई? अब हम सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो चेक कैसे कर रहे थे? मैंने आपको यही तो बताया था, सर्कुलर क्यू में आपको ओवरफ्लो चेक करना है, तो बच्चों ऐसा तो होगा नहीं ना। मैंने आपको क्यू की डिसएडवांटेज बताई थी, क्या है? ए बी सी, यहाँ पे आपका रियर पहुंच चुका है, ये आपका फ्रंट है। अब मान लीजिए आप ए को डिलीट कर दीजिए, तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए, आ जाएगा। हाँ जी अब मान लो मुझे एक और सर। इंसर्शन करना है, तो मैं पहले रियर को एक पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इंसर्शन कर दूंगा, ये बात क्लियर है? अब अगर मुझे ऐसा करना हो, कैसा, एक और डिलीट करना हो, तो आप डिलीट कर लीजिए, फ्रंट कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे एक और इंसर्शन करना है, तो मैं रियर को कहाँ पहुंचा सकता हूँ? सर्कुलर क्यू यही तो बोलता है कि सॉरी डी तो यहाँ पे है, रियर को यहाँ ले आओ आप, भरते भरते आगते यहाँ पे अपना एलिमेंट डाल सकते हो। एक और डालना हो, रियर को एक बढ़ा लो, फिर एलिमेंट डाल लो। एक और डालना हो, जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे, रियर और फ्रंट क्या हो जाएंगे? आर और एफ क्या हो जाएंगे? बराबर। बट दोनों -1 के ऑल बराबर है क्या? इक्वल्स टू नहीं माइनस है वन ना। तो यस ये सिचुएशन तब है जब सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो होता है। समझ में आ गई कि नहीं आई? होता भाई अब साइकिल की फॉर्म में अगर चीजें बना रहे हो और घूमते यस घूमते आप सर। दोबारा पीछे यहाँ पे पहुंच गए लास्ट एलिमेंट के, वो कहीं पे भी हो, उन दोनों को बराबर के आ गए, कि अगला स्टेप बढ़ा रहा हूँ तो किसी और अगले आदमी पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया ना, इससे ज्यादा तो इस लूप में कुछ और भर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्यू क्या है, सर्कुलर क्यू क्या है ना। इसके बाद छोटी सी बात से खत्म करते हैं क्यू का पूरा काम, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने उसमें पढ़ा था, देखो एन क्यू ऑपरेशन यानी इंसर्शन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ऑर्डर ऑफ 1, क्यों ले रहा है? आपने एन क्यू का ऑपरेशन बनाया, प्रियंका इसमें कितना टाइम लग रहा है? ये बनाया मैंने, क्या इसमें कोई लूप है, कुछ है इसमें? मुझे एक इंसर्शन करना है, तो आप सिर्फ चेक करते हैं क्या ये एन -1 के बराबर तो नहीं है, ओवरफ्लो तो नहीं है। नहीं है तो आप एक बढ़ाते हैं, आइटम को डाल देते हैं, 3 स्टेप लगने, तो ऑर्डर ऑफ 3 यानी ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट्स इट। तो क्यू इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 1। डिलीशन की भी क्या है? 1। फ्रंट, फ्रंट या पीक, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था टॉप या पीक नाम का फंक्शन बताया था। टॉप फंक्शन क्या करता था? टॉप मोस्ट एलिमेंट को देता था विदाउट डिलीटिंग इट। सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, आप चेक करना चाह रहे हैं भाई मुझे अभी सर्विस किसकी करनी, देख तो लो आदमी की शक्ल, सर्विस नहीं कर रहा, शक्ल देखना चाह रहा हूँ बस, तो आप फ्रंट या पीक का फंक्शन का यूज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ए खड़ा है लाइन में, ठीक है, बट आप ए की सर्विस नहीं कर रहे हैं। डी क्यू का तो मतलब ये है, चल एक एक फाइल लेके आओ, उसका काम करना शुरू करता हूँ। इज एम्प्टी फंक्शन चेक करता है, फंक्शन एम्प्टी तो नहीं है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है भाई? चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है ना, आप चेक कर लीजिए, इफ क्या एम्प्टी चेक करना तो चेक कर लो, अगर रियर इक्वल्स इक्वल्स -1 है, ये आप चेक कर लीजिए, फ्रंट इक्वल्स इक्वल्स -1 दोनों के माइनस केस वन में ही चेक कर लो पास ना, या तो ये लगा लो या ये लगा लो, दोनों लगा लो, बट इस लाइन को चलने में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 फुल है, तो आपको कैसे चेक करेंगे? इफ आर इक्वल्स इक्वल्स है एन -1 के, तो बस इस लाइन को चेक करने में ऑर्डर ऑफ 1, तो सब ऑपरेशन कितने ऑर्डर ऑफ 1। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी यस सबको, ठीक है। अब देखिए जनरली हम इम्प्लीमेंट जो करते हैं क्यू, वो स्टैटिक अगर करते हैं तो वो यूजिंग एरे कर रहे हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ एरे से भी तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसलिए एरे को हमने डिटेल में पढ़ा था बिल्कुल। तो मान लो 0 1 2 3, ये हम सब एरे की तो बात कर रहे थे, हम लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे, तो मैं आपको मुझे याद दिलाना जिस दिन हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी कि सर एक बार क्यू या स्टैक किसी को भी एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा दो, तो मैं करके दिखा दूंगा, लास्ट टाइम हुआ नहीं था प्रदीप ये, बट अगर होगा तो मुझे याद दिला देना, करा देंगे जरूर, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट ठीक स्टैक है सर। स्ट्रैटिक या डायनेमिक आपको पता चल जाएगा ना, डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। ओके क्लियर, हेलो। हाँ जी इन फंक्शंस का नाम ये भी हो सकता है क्यू, रियर क्यू, फ्रंट और इज एम्प्टी क्यू, ये तीनों फंक्शन भी सही नहीं है। इसके बाद आपके पास ये बात समझ में आ गई, ओवरफ्लो कंडीशन कब चेक होती है? इफ एफ आर बराबर -1 है, क्यू एम्प्टी होने का मतलब रियर इक्वल्स टू फ्रंट इक्वल्स टू -1, ये लीनियर क्यू की बात हो रही है, सर्कुलर की नहीं। क्यू फुल होगी तो रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइज -1 के बराबर हो जाएगी, क्लियर। ये सर्कुलर क्यू शायद ये हाँ सर्कुलर क्यू बना रखा है हमने, यहाँ पे दोबारा इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, ये सारी चीजें वही दोबारा से घूम फिर के आ जाएंगी, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं।
जब पेपर में एक क्वेश्चन ये वाला कई बार आया हुआ है, ये आपका बिल्कुल 2017 टीजीटी का ही क्वेश्चन है पहली बात तो ये, और इसके बाद भी आप किसी ना किसी सेट में शायद एक बार मैंने क्वेश्चन और देखा हुआ है, DSSSB की बात कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा कई बार कई कॉम्पिटिशन में आया हुआ है, ठीक है। कि आपको इसका मैंने पिछले बार प्रोग्राम भी बना के दिखाया था, अभी टाइम बर्बाद हम कर नहीं रहे। सिंपल सी चीज आप ऐसा समझ लीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक कितने चाहिए एन साइज के टू इंप्लीमेंट ए क्यू ऑफ साइज एन, या ये क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्यू, कितनी क्यू चाहिए ऑफ साइज एन रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट ए क्यू या ए स्टैक ऑफ साइज एन, ऐसे करके अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर कितना होएगा, दो। दो से आप वो चीज इंसर्ट, देखो स्टैक है, अगर आपके पास प्रियंका ए बी और सी और डी ये चार इंसान आते हैं काम कराने अपना, तो सबसे पहले किसका काम होना चाहिए, ए का, फिर किसका होना हाँ चाहिए, जी, बी का, फिर बी किसका होना चाहिए, सी का, फिर किसका होना चाहिए, डी का। आप जी अगर चार एलिमेंट हैं मान लो क्यू के अंदर मैक्सिमम, आपने ए डाला बी डाला सी डाला और डी डाला, मान लीजिए आप ये डाल चुके हैं, है ना, फिर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, वैसे इतना सिंपल होता नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार इस स्टैक में से डिलीट कर दूं तो डी आएगा, फिर क्या आएगा, सी सी, फिर बी, मैं डी इसमें से है डिलीट कर रहा हूँ और इसमें से इंसर्ट कर रहा हूँ, अगर तुमने वो पढ़ रखा हो ना क्या बोलते हैं ऑटोमेटा, तो ऑटोमेटा में अगर किसी ने वो करा होगा क्या बोलते हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन सी की पावर एन, मतलब जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से करते हैं हम, तो वो इसी तरीके से कुछ इंप्लीमेंट करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, जो टू स्टैक पीडीए यूज करते हैं जिसमें, यानी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस के लिए, एक तो कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री में वन स्टैक यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में टू स्टैक यूज करते हैं, इसकी पावर इक्वल होती है ट्यूरिंग मशीन के, उसको छोड़ो किसी ने कर रखा होगा, आपने जो बीटेक कर रखा हो उस बात को, निताश्री क्लियर हुई होगी शायद आपको ये, मेरा नहीं तो ऑटोमेटा। आपका नहीं था, चलो तो बढ़िया है, ठीक है फिर कोई बात नहीं। अभी आप देखो, अब मैं अगर क्यू में इस, देखो मेरे पे एक स्टैक ये था, इसमें डाला, फिर मैंने इस वाले में डाल लिया, अब मैं अगर डिलीट करूंगा तो मेरा पहला कौन आएगा, ए आएगा ना, फिर किसको सर्विस मिलेगी, बी को, फिर किसको मिलेगी, सी को, फिर डी को, यानी मैंने क्यू का काम किया है बट यूजिंग टू स्टैक किया है, समझ में आई, ये मैंने आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए सिंपल टर्म्स में बता दिया, आपको भी ध्यान रखने के लिए सिंपल, मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, ये थोड़ी कहेगा इसकी इंप्लीमेंटेशन कर दो, अगर आपको केवल डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना होता तब हम एक दो महीना इस पर लगाते तब काम करते हम डिटेल्ड में, बट अभी जरूरत नहीं है ना, वैसी चीजें बढ़ रही हैं। क्लियर हो गई भाई बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। और अब देखो, अब आप, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी आपने चीजें पढ़ ली ना, हमने, हमारा क्या हो चुका है, पूरा एरे हो चुका है, एरे का मतलब सारी हमारी सर्चिंग सॉर्टिंग इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी सारी चीज हो चुकी है, और हमारा वो मतलब स्टोरेज वाले क्वेश्चंस और उसके लोकेशंस फाइंड आउट करने वाले ये क्वेश्चंस हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक हो चुका है, ठीक है, हमारा स्टैक हो चुका है, क्यू हो चुका है, सर्कुलर क्यू हो चुका है, अभी डी क्यू भी खत्म हो जाएगा, अब इसके बाद आपका बचेगा ट्री, ट्री में बहुत डिफरेंट टाइप के ट्री है, मतलब BST है, ट्री ट्रेवर्सल है, हीप है, और AVL ट्री है, ये मेन मेन चीजें हैं जो हमें करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्री ट्रेवर्सल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद हमारा ग्राफ और फिर हैशिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जो लेगा वो ट्री लेगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं, लाइक एरे के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ट्री है, ठीक है, ग्राफ और हैशिंग इनमें से कभी वंस इन अ वाइल क्वेश्चन बनते हैं, खैर करना तो सारा कुछ है, तो लगभग हम 60% काम कर चुके हैं, बट इसके बाद जब क्वेश्चन वाला करेंगे ना तो संडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली काम करेंगे हम, आज क्या है फ्राइडे, और बच्चों एक बार सुबह थोड़ी क्लास ले लो 5:30 से 6:15 या 6:30 जो भी पॉसिबल हो सके, 45 मिनट भी लोगे ना दिमाग फ्रेश रहेगा, जैसे अभी लंबा हो जाता है सेशन, 45 मिनट भी लोगे ना ये वर्थ होगी, क्योंकि आप दिन में जैसे इसके बाद जब भी टाइम मिलेगा आप घर का काम या व्हाटएवर ऑफिस जो भी आप कुछ करेंगे बीच में फ्री होंगे, उस 45 मिनट को आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन आप 20 मिनट में कर सकते हैं, मैं ही रिवीजन कई बार करा देता हूँ क्लास में, ठीक है, तो ये कर लेंगे सुबह क्लास तो शायद हम संडे के दिन इसके क्वेश्चन आंसर करा सकते हैं जो सबसे ज्यादा वर्थ का सेशन होगा, तो फ्री टाइम पे करेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक नहीं है, हो पाएगा सर, इतना हो पाएगा अभी, चलो करना तो कभी पड़ेगा ये, वैसा नहीं तो होगा नहीं अभी, चलो फिलहाल इसको जो होने के बाद देखेंगे अभी, एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, और इससे पहले हाँ ये डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू और पढ़ लीजिए, ठीक है, डबल एंडेड क्यू क्या होती है बच्चों,
जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पे हो सकता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन या किसी चीज की जरूरत नहीं है। डबल एंडेड क्यू क्या हो सकती है, जिसमें यहाँ पे रियर भी होगा और फ्रंट भी होगा, और इधर भी रियर भी होगा और यहाँ पे फ्रंट भी होगा, मतलब दोनों साइड से आप इंसर्ट कर सकते हो, दोनों साइड से डिलीट कर सकते हो, वो होती है डबल एंडेड क्यू। क्लियर हुई बात, इसलिए नाम है उसका डबल एंडेड। अब जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछ सकता है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू क्या होती है, डी क्यू, डी डबल एंडेड क्यू का डी क्यू भी बोल देते हैं कभी, ऑपरेशन नहीं, वो डी क्यू ऑपरेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, डिलीट करना एक एलिमेंट को, ठीक है। डबल एंडेड क्यू इसका मतलब, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या समझ रहे होंगे आप, इनपुट केवल, यानी ऐसा थोड़ी है कि इनपुट आएगी नहीं, इसमें इनपुट मतलब डायरेक्शन से इनपुट वन एंड से ही होगी, और जो आउटपुट यानी डिलीशन, यानी डिलीशन आप कर रहे हैं वो बोथ एंड से। क्लियर, सेम आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, उसमें क्या है, आउटपुट एक एंड से होगी और डिलीशन दोनों एंड से होगी। समझ में गया बात, यहाँ पे लिखा भी है, आप इस चीज को क्लियर पढ़ लेना, कोई चक्कर नहीं है। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में एन क्यू ऑपरेशन दोनों एंड पे परफॉर्म हो सकता है, डी क्यू ऑपरेशन केवल फ्रंट एंड पे परफॉर्म होगा, ऐसे ही यहाँ पे केवल रियर एंड पे और ये दोनों एंड पे परफॉर्म हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक, एक चीज होती है प्रायोरिटी क्यू, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या होता है कि हर मतलब एलिमेंट जो, जैसे आपने सबने ओएस तो पढ़ रखा होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग करता है ना, सीपीयू शेड्यूलिंग करता है, एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है ना, हाँ सर, एक क्या होती है व्हाट शॉर्ट इज योर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होती है, प्रेम्प्टिव नॉन प्रेम्प्टिव, एक राउंड रॉबिन होती है, ठीक है, एक होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी, उसकी सर्विस हम पहले करते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रायोरिटी सर्विस है ना, ये प्रायोरिटी क्यू, इसमें वही है, हम एलिमेंट्स को जो इंसर्ट करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी करते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। हेलो, अब जी आप सर, या तो देखो, अब देखो इसने यहाँ पे बोल, देखो इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे मैं जा नहीं रहा, बट मैं आपको समझाने के पर्पज से समझा रहा हूँ। देखो ये क्यू है, क्यू में आपको पता है, मान लो ए आया, कोई आदमी ए आया, उसकी प्रायोरिटी थी फाइव, क्या प्रायोरिटी थी फाइव, है ना। अब अगला एलिमेंट अगर आएगा, यहीं पे तुम्हारा रियर सेट हो गया होगा, यहीं पे फ्रंट, अगला पर्सन कोई आ रहा है बी, उसकी प्रायोरिटी टू है, कंप्यूटर में आपको पता है हाईएस्ट प्रायोरिटी हम कम वाले को समझते हैं, आपकी मर्जी है, ज्यादा वाले को समझो कम वाले को समझो जो भी है, बट फिलहाल हम मान रहे हैं कि कम वाले की ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपने रियर को ले गए यहां पे और यहां पे इंसर्ट कर दिया ए, तो इसकी प्रायोरिटी कितनी थी, पांच, इसकी प्रायोरिटी कितनी थी, दो, डिलीट कौन होना चाहिए था पहले, हेलो, डिलीट कौन होना चाहिए पहले, ए या बी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या कहती है, पहले बी डिलीट होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई हाई प्रायोरिटी किसको मानते हैं कंप्यूटर में, आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको मान लीजिए, मान लो चलो भाई ऐसा कर लेते हैं कि हाई प्रायोरिटी हम बड़े वाले को मान लेते हैं, ओके, यानी पांच की हाई प्रायोरिटी है, यानी ए होना चाहिए था, तब तो कोई समस्या नहीं है, चलो ठीक है। बट लेट वी चेंज द सिचुएशन, सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं, ए इंसर्ट कर दिया, इसकी प्रायोरिटी ए थी, मान लो पांच थी, इसकी प्रायोरिटी दो थी, एक और एलिमेंट आया सी, इसकी प्रायोरिटी है नाइन, कितनी प्रायोरिटी है, नाइन। अब अगर मुझे, तो मैंने रियर को यहां चेंज किया और इंसर्ट कर दिया, अब अगर मुझे डिलीशन करना है, तो अब डिलीट कौन होगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फ्रंट डिलीट होता है, आपको पता है क्यू में डिलीशन कहाँ होता है, हमेशा फ्रंट पे होता है, होता है कि नहीं। तो ये तो ए को डिलीट कर देगा, जबकि ए की प्रायोरिटी हाईएस्ट थोड़ी थी, इसलिए देखो प्रायोरिटी क्यू के इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम प्रायोरिटी को या तो हैंडल करते हैं एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, या प्रायोरिटी को हैंडल करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीशन, मतलब एट द टाइम ऑफ अगर डिलीशन कर रहे हैं, मान लो क्योंकि इंसर्शन के टाइम पे तो हमने देखा नहीं कौन किस उससे आ रहा है, तो डिलीशन के टाइम पे पहले मैं एक बार चेक कर लूंगा सबकी प्रायोरिटी क्या है, तो देखो चेक करने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता है, आप यहाँ मिनिमम या मैक्सिमम का फंक्शन लगाएंगे, पूरे से चेक करेंगे, जब पता चल जाएगा जिसकी प्रायोरिटी जो है, तो या तो आप शिफ्टिंग करेंगे या कुछ और करेंगे, या पहले उसको डिलीट करेंगे, बात समझ में आ रही है आपकी, यानी आपको प्रायोरिटी हैंडल करोगे या तो डिलीशन टाइम पे, तब इसका जो एन क्यू डी क्यू ऑपरेशन रहेंगे वो ऑर्डर ऑफ वन में नहीं होंगे, बट वही बात है, अगर आपकी नीड है कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, मान लो आप प्रायोरिटी का हैंडल कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, तो ए आया, उसकी प्रायोरिटी पांच थी, ओके, आपने फ्रंट और रियर यहाँ सेट कर दिया, अगला जो आया उसकी प्रायोरिटी मान लीजिए कितनी है, दो, तो वो इससे कम है ना बच्चों, हेलो, कम है ना, तो एक काम करो, सिंपली आर को करो प्लस वन, ओके, यहाँ पे उठा के इसको डाल दो, तो किसको डाल दिया मैंने यहाँ पे, बी को डाल दिया, डल जाएगा, इसकी प्रायोरिटी थी टू, नो प्रॉब्लम। अगला आया, उसकी प्रायोरिटी नाइन है, अब आपको पता है उसकी प्रायोरिटी अगर इससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग का मतलब बी को शिफ्ट करो अब यहाँ पे, ए को शिफ्ट करो यहाँ पे, और यानी अब आर तो यहाँ पे आ चुका है, हेलो,
अब अगला एलिमेंट कौन है, सी आया था, उसकी प्रायोरिटी थी 9, उसको डाल दो यहाँ पे, यहाँ हो गया 5 वाला, यहाँ गया 2 वाला। अब आपने किसके टाइम पे हैंडल किया है प्रायोरिटी को, एट द टाइम ऑफ इंसर्शन इंसर्शन, है ना, तो आपका यहाँ पे क्या है फ्रंट। अब डिलीशन के टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1। जबकि अगर इस केस में इंसर्शन डिलीशन, अगर आप प्रायोरिटी को हैंडल कर रहे हैं इंसर्शन के टाइम पे, चल क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा। ओके कुछ यहाँ पे तो यार ये हो सकता है, कहीं पता नहीं यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। जो भी है, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है, चलिए भाई जो भी है, आप इस बात को यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर सर, अगर यहाँ 9 की जगह 1 होता फिर कैसे होता, एक बार बताना। 9 की, तो एक और मान लेते हैं आपकी बार जो एलिमेंट आया वो 1 आया, तो क्या उसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है क्या, पहले वाले से चेक करो, सिर्फ पहले वाले से, है नहीं है। ना, इसलिए मैं उसकी बता रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर में क्यों लिखते हैं। इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी जो 1 वाले की, तो 1 वाला सिंपली यहां होना चाहिए ना, हेलो, हाँ, पीछे ठीक आगे है। बट आप सीधा क्या यहां पे डाल सकते हैं क्या, मान लो हो सकता है 3 हो ही ना, 1 होती तो इस केस में तो समझ में आ रहा है, रियर को +1 करो और उठा के चुपी डाल दो यहाँ पे, मान लो एम आया था उसकी 1 थी, बट 1 के केस में तो सही था, अगर 3 होती एम की तो सीधा आर को +1 कर सकता था क्या, नहीं कर सकता भाई, मुझे चेक करना पड़ेगा इसका एग्जैक्ट ऑर्डर कहाँ पे है, इसकी प्रायोरिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, इससे छोटी है ओके इससे चेक करो, इससे भी छोटी है ओके इससे चेक करो, इससे भी छोटी है तो बस अभी आर यहाँ पे है तो आर को +1 करो, यहाँ पे डाल दो, अगर यहाँ पे होता तो इसको यहीं पे रोको, यहाँ के आगे के सारे एलिमेंट आगे शिफ्ट करो रियर को एक बढ़ा के, तब यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सर। इसमें प्रायोरिटी हैंडलिंग अगर आप इंसर्शन के टाइम कर रहे हो, अगर ये पहला वाला केस है, इसे केस पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, जो भी इशू है, अगर इंसर्शन के टाइम पे आप हैंडल कर रहे हो इंसर्शन टाइम पे, तो इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ऑर्डर ऑफ एन, और डिलीशन की बट क्या होगी उस केस में, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। अगर आप क्यू को हैंडल कर रहे हो डिलीशन के टाइम पे, मतलब प्रायोरिटी को हैंडल कर रहे हो कब, डिलीशन के टाइम पे, यानी ये वाला केस अगर आप ले रहे हो, उस केस में क्या होगा, इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उठा के डालते रहो कोई टेंशन ही नहीं है, डिलीशन के टाइम पे देखेंगे किसको पहले सर्विस करनी है, तो डिलीशन की उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ एंड एन, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे आप। तो प्रायोरिटी क्यू आपकी क्लियर हो गई, डबल एंडेड क्यू आपकी क्लियर हो गई, और क्यू आपकी क्लियर होगी, क्योंकि एप्लीकेशन से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो पीएफएस है आपके पेपर के लिए, और एक ये लेवल ऑर्डर ट्रवर्सल ऑफ ए ट्री, ट्री में आपने 3 ट्रवर्सल पढ़ी है, कौन कौन सी, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, एक और होती है वो क्या होती है, लेवल ऑर्डर ट्रवर्सल, वो मैं आपको बताऊंगा कैस क्या होती है, ठीक है। तो ये मतलब ये दोनों तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंटरप्ट जब आप क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा इंटरप्ट्स का मतलब कैसे होता है, कैसे हैंडल करते हैं, ये जनरल एग्जांपल है, कॉल सेंटर में फोन सिस्टम्स आते हैं तो क्यू में आता है ना, मान लो आपने पहले कॉल किया तो पहले आपको सर्विस कर रहा है, फिर एक और की कॉल आ गई तो होल्ड पे है, फिर उसके बाद मैंने भी कॉल कर दिया फिर वो भी होल्ड पे है, बट जब पहले वाले की डिस्कनेक्ट होगी वो दूसरे वाले को सर्विस देगा फिर मुझे देगा, ठीक है। जब ये भी आपका पाइपर ये उसी में से समझ में आएगा, अब ये सीपीयू शेड्यूलिंग का है कि सीपीयू जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो इसके बेसिस पे है, ठीक है। और जनरल आप एग्जांपल ले सकते हो, क्यू तो 50 जगह यूज होती है, ठीक है, सर एक बार प्रायोरिटी क्यू वाला दिखाना, वो कौन सा पेज प्रायोरिटी क्यू, प्रायर देखिए हो गया, हाँ देखो इसमें से पेपर में मैं सच बताऊं आपके, अगर क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट हैं तो दो क्वेश्चन तो ये हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसी के साथ यहां पे लिख देता हूं मैं आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, एक तो फ्रंट इक्वल्स टू इक्वल्स रियर और नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये किसकी कंडीशन होती है, नॉर्मल क्यू की बात कर रहा हूं, जब ओनली 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। आप पेपर देखेंगे ना कभी, देखो लेवल की बात होती है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है, गेट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, बट वो एक नंबर वाले में मिलेगा और वन से नवाइल वाला, ऐसी में ज्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन जब एफ बराबर होता है आर के, है ना, और इक्वल इक्वल होता है किसके, -1 के, तब इसका मतलब क्या होता है,